तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि दुकान फटी धंधे की तो आंख लग गई अंधे की। भाई ये बात आज पूरी तरह से चरितार्थ हो गई है। भैया फिल्मों के रिव्यू करने वाले उन यूट्यूबरों के ऊपर जो भाई हाल फिलहाल के दिनों में भैया निशाने पर आ गए थे भाई कई सारे मेकरों के। आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म मार्टिन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिससे दर्शकों को तो काफी उम्मीदें थी ही, वैसी ही उम्मीदें मुझे भी थी। यानी कि भैया जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी तो भैया मुझे ऐसा लग रहा था कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को आकर पूरी तरह से हिला कर रख देगी। लेकिन भाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को तो नहीं हिलाया, लेकिन ऑडियंस के दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया इस बात की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कि हर खूबसूरत नजर आने वाली वस्तु खूबसूरत नहीं हो सकती है। यानी कि भैया उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी मार्टिन तो भाई दर्शकों ने इस फिल्म को अपना सपोर्ट देने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर कोई फिल्म अच्छी नहीं बनी है तो भाई उसको दर्शकों का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन भैया अगर कोई फिल्म अच्छी नहीं बनी है तो आप उस फिल्म के मेकरों को क्या उल्टा पुल्टा कहना शुरू कर दोगे? यानी कि भैया उनको आप रिव्यू के नाम पर रोस्ट करना शुरू कर दोगे? तो भाई यही हरकत भैया बॉम्बे में रहने वाले कुछ यूट्यूबरों ने इस फिल्म के साथ किया था, जो कि नाक गवारा गुजरी ये बात भैया इस फिल्म के मेकरों को कि भैया अगर आप लोगों को हमारी फिल्म अच्छी नहीं लगी है तो आप सीधा सीधी हमारे फिल्म के बारे में ये बात कह सकते थे कि भैया ये फिल्म उतनी बेहतरीन नहीं बनी है जितना कि हम लोगों ने उम्मीद किया था। और इसी वजह से भाई नप गए कई सारे यूट्यूबर इस फिल्म की वजह से। और भाई उसके बाद से वो लोग आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर हाय तौबा मचाने लगे ये कहकर कि भाई ये तो अन्याय है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको दबाने की एक राह है। यानी कि भैया हम तो अपना काम कर रहे थे लेकिन इन लोगों ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है, तो भैया अब हम भी इनकी आवाज बनकर जनता के सामने नहीं आएंगे। अब से हम कभी भी किसी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म का रिव्यू जनता के सामने नहीं रखेंगे, ना ही उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे। ऐसे कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आ रही थी बॉम्बे में रहने वाले कुछ यूट्यूबरों के माध्यम से। और भाई इन यूट्यूबरों का काम क्या है? भाई अपना काम बनता, अपना धंधा चलता तो भाड़ में जाए जनता। भाई इन लोगों ने एक मोनोपोली बना ली थी, एक सोच बना ली थी कि भैया हमें क्या है, भाई हमें तो बस पानी निकालने से मतलब है। अब पानी निकालते निकालते में अगर किसी का दम निकल जाए तो भैया उसको लेकर हम जिम्मेवार नहीं है। और इसी सोच पर चलते हुए इन लोगों ने खुद को भगवान मानना शुरू कर दिया था मेरे भाई। यानी कि इन लोगों के द्वारा कही गई हर एक बात ना पत्थर की लकीर बन चुकी है। तो भाई इस लकीर को जब फकीर बनने का अंदेशा हो गया, यानी कि भैया अंदाजा हो गया कि भाई हम लोगों ने तो गलती से एक ऐसी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से हमारा धंधा भैया नुकसान में आ सकता है, तो भाई इन लोगों ने पलटी मार दी मेरे भाई, पलटी मार दी। अब देखिए बॉलीवुड के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है मेरे भाई, जिनको लेकर लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया ये तो बहुत अच्छा यूट्यूबर है, इवन मैं भी उसको फॉलो करता था, लेकिन भाई जब से मार्टिन वाला इशू हुआ है और उसके बाद से इस बंदे ने जो बात कही है भैया एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जिन्होंने भैया अपने बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से ऑडियंस को अचंभित किया है और ये विश्वास दिलाया है कि भाई जब भी हमारी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से कोई फिल्म आप लोगों के सामने आएगी तो आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। तो भाई इस कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मैंने हाल फिलहाल के दिनों में कुछ खबरें ऐसी देखी थी जिसको देखने के बाद मैं काफी नाराज हुआ था इस बात को लेकर कि भैया अगर आप लोगों को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की किसी फिल्म को नहीं देखना है तो भाई मत देखो ना, मत करो रिव्यू। वो लोग थोड़ी आ रहे हैं आपके पास ये कहने के लिए आप हमारी फिल्म का रिव्यू करो मेरे भाई। अब एक बंदे हैं जो कि भैया टोपी लगाकर खड़े हो जाते हैं जीटी कलेक्शन के बाहर और ये बात कहते हैं कि भैया जब भी कोई बॉलीवुड के बड़े कलाकार की फिल्म आती है, खासतौर पर शाहरुख खान की अगर फिल्म आती है, तो मैं 100 टिकट खरीद कर जनता को बांटता हूँ, उन लोगों को दिखाता हूँ ये फिल्म है कि देखो यार ये है सुपरस्टार,
उस बंदे ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को लेकर क्या कहा था, ये कहा था कि भाई अब से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को अपनी फिल्मों को अपने ही क्षेत्र में रिलीज करना चाहिए और वो अपनी फिल्मों को तभी हमारे क्षेत्र में लेकर आए जब उनकी फिल्में हिट हो। ये बात सुनकर मैं तो सकते में आ गया था, यार ये लोग कहना क्या चाह रहे थे। अब देखिए समय ने पलटी मारी, बघीरा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और भाई जिस बंदे को लेकर ये सारा कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुआ था ना भाई, इस बंदे ने कसम खाया था ना कि आज के बाद से मैं कभी किसी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। और भाई इस बंदे ने बघीरा को लेकर कई सारी बातें कही थी कि अरे यार क्या है ये फिल्म, यार क्या है ये फिल्म, कुछ नहीं होगा यार, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी की, एक बंदा जो है वो पुलिस का जॉब करता है और पुलिस का जॉब करते करते उसको एहसास होता है कि वो अपना जॉब करते हुए अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से नहीं निभा पा रहा है, तो वो फिर सुपर हीरो बन जाएगा और न्याय दिलाने लगेगा लोगों को, बस यही तो कहानी होगी यार। ये क्या कुछ नया कर रहे यार, ये लोग बकवास फिल्म है यार, अच्छी फिल्म है यार, फिल्म का थीम क्या है, वही ब्लैक 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 ब्लैक, इस तरह से कहते हुए इन लोगों ने बघीरा का कहे तो भैया पूरी तरह से डैमेज पहुँचाने की कोशिश की थी यार, इन लोगों ने इस फिल्म को डैमेज पहुँचाने की कोशिश की थी। अब आज जब बघीरा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तो भाई कहते हैं ना, वाट लगी दुकान की तो आंख लगी अंधे की, जो बात मैंने शुरू में कही थी ना कि भाई इन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर इस अच्छी फिल्म का हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो भाई हम वंचित हो जाएंगे इसके बाद से, यानी कि हमें दरकिनार कर दिया जाएगा रिव्यू वर्ल्ड से। और भाई आज कान पकड़ते हुए ये लोग सामने आए और ये बात कहने लगे कि भाई एक बुरी फिल्म की वजह से हम पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से पंगा थोड़ी लेंगे भाई, हम तो अच्छी फिल्मों का सपोर्ट करेंगे और अच्छी फिल्मों के बारे में आप लोगों को लगातार बताते रहेंगे। तो भाई उस वक्त आप लोगों ने किस ताव में आकर ये बात कहा था कि भैया आज के बाद से आप लोग कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे। और खास तौर पर भाई इस बंदे को लेकर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया मुझे इस बंदे पर गुस्सा एक बार पहले भी आया था जब बादशाह किच्चा सुदीप की मच अवेटेड फिल्म विक्रांत रोना सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी, जो कि भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी हुई फिल्म थी, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी थी और उसके साथ भी उस फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही शानदार था, लाजवाब था, जबरदस्त था, बेहतरीन था। भाई उस फिल्म को इन लोगों ने इस तरह से ट्रोल करवाया कि भैया ये फिल्म हिंदी मार्केट में काम कर ही नहीं पाई। और भैया ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों किया गया था, उस वक्त हम लोगों ने एक बात देखी थी भैया, उस वक्त एक बॉलीवुड की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी विक्रांत रोना के साथ में, भाई उस फिल्म को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस फिल्म को ये लोग ये कहते हुए डाउन करने की कोशिश करने लगे थे कि अरे यार ये तो रिमेक है यार, ये भी कोई फिल्म है यार, पूरी कॉपी पेस्ट कर दिया इन लोगों ने इस फिल्म को। भाई विक्रांत रोना जो कि एक ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर हम ये बात कह सकते थे कि भैया वाकई में एक और शानदार फिल्म कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के द्वारा दर्शकों के सामने रखी गई है, लेकिन इन लोगों ने अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए उस फिल्म को जबरदस्ती डाउन करने की कोशिश की थी। उस वक्त मुझे काफी गुस्सा आया था मेरे भाई, और उस वक्त जब मैंने किच्चा सुदीप की इस फिल्म यानी कि विक्रांत रोना की तारीफ की थी तो भैया कई लोग आकर मुझे ट्रोल करने लगे थे ये बात कहते हुए कि भैया बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े रिव्यूअर हैं, खासतौर पर मुंबई में रहने वाले रिव्यूअर जो कि भैया जीटी गैलेक्सी के बाहर हमेशा नजर आते हैं, वो लोग अगर इस फिल्म को बुरा बोल रहे हैं तो आप कौन होते हो भैया किच्चा सुदीप की इस फिल्म की तारीफ करने वाला, आप तो भैया ऐसा लगता है कि साउथ का ही गुणगान करने के लिए बैठे हैं। तो भाई इन दिनों अगर हम लोगों के सामने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के द्वारा अच्छी फिल्म आ रही है तो हम उसकी तारीफ ना करें क्या, ना करें? तो भाई औकात औकात में ला दिया है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों ने इन लोगों को कि भाई। तो दोस्तों आज मुझे अच्छा लगा इन लोगों को जमीन पर आते हुए ये देख करके भाई, इन लोगों की जो आंखें जो थी ना जो बहुत ही चढ़ गई थी किसी भी बात को लेकर के, भैया हमने जो बोला वो पत्थर के लगे, हमारी बात को कैसे कोई टाल सकता है, इन लोगों को आज ऑडियंस ने मजा चखा दिया है मेरे भाई। बघीरा को लेकर बहुत ही नेगेटिव खबरें इन लोगों ने फैलाई थी, लेकिन बघीरा ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से, यानी भैया श्री मुरली ने अपने शानदार काम के माध्यम से, इस फिल्म के डायरेक्टर ने भैया अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, और भाई प्रशांत नील ने अपने बेहतरीन लेखनी की मदद से इस फिल्म को जो बनाया है ना, इस फिल्म को लेकर अब वो मार्केट बन गया है, जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि ये फिल्म बहुत जल्दी ही हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। और भाई अब तो मैं ये सोचकर थोड़ा सा अचंभित हो रहा हूँ कि भाई इस बंदे ने तो पहले ये कह दिया था कि भैया मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा किसी भी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली फिल्म की रिव्यू,
तो भाई इस भीड़ चाल में कई लोग जुड़ गए थे भाई, मुंबई के रिव्यूअर। अब बोलो क्या करें भाई, उनका नेता ही अगर फिर से पलटी मार गया यानी कि धोबी पछाड़ मार गया तो भैया वो लोग भी सोच रहे होंगे यार किसके साथ हम लोग चले थे झंडा बुलंद करके, इस डंडे ने तो भाई हमारी ही ले ली। तो दोस्तों अच्छा लगा, आज अच्छा लगा, इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ और आप लोग को ये बात बता रहा हूँ कि भैया देखिएगा बघीरा बहुत जल्दी ही हिंदी लैंग्वेज में रिलीज भी होगी और ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करके जाएगी हिंदी ऑडियंस के बीच में भी, क्योंकि भैया अच्छी फिल्म को आप पॉलिटिक्स से दबा नहीं सकते हो, ये बात साबित करके दिखा दी है बघीरा के मेकरों ने। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मानिए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।